हेलो गाइस, सो जन्माष्टमी आने वाली थी तो मैंने सोचा चलो राधा रानी वाला मेकअप करते हैं। आज है राधा रानी वाले सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल, तो मैंने आउटफिट पहन लिया था, अब करते हैं हम मेकअप स्टार्ट। तो हमें ज़्यादा एकदम डार्क मेकअप नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचुरल सा सिंपल मेकअप ही चाहिए, तो करते हैं चलिए स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले लगाया था मिस्ट अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए। थोड़ा 5 मिनट वेट करने के बाद मैंने लगा लिया था मॉइस्चराइजर। अब बिल्कुल सिंपल सा ही मुझे मेकअप चाहिए था तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया था। एक्चुअली मेरे पास कंसीलर नहीं था, कंसीलर ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फाउंडेशन ही यहाँ पे लगाया है। अब हम ट्रांजिशन कलर का आई शेडो लगाएंगे। आई शेडो भी बहुत ही नेचुरल सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे रेड आई शेडो का ही यूज़ किया है और हल्का सा उसमें शिमर मैंने ऐड कर दिया है। अब आती आईलाइनर की बारी, तो आईलाइनर एक्चुअली मुझे मिरर की हेल्प से ही जमता है, बिना मिरर के तो मुझसे आईलाइनर जमता ही नहीं है। अब आई शेडो लगा लेते हैं हम अंडर लैशेस में। अंडर लैशेस में आई शेडो लगाने के बाद हमने लगा लिया मस्कारा हमारे लैशेस को थोड़ा और उभरता हुआ शो करने के लिए। अब हम लगा लेते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन भी मैंने ब्रश की हेल्प से ही लगाया ताकि थोड़ा लाइट दिखे फाउंडेशन हमारा। तो बहुत सारे मैंने मेकअप के वीडियो में देखा था कि ऐसे ऐसे टिम्बे जो लगा रही हूँ मैं वो लगाते हैं राधा रानी वाले मेकअप में, बट भाई साहब ये मेरे फेस में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, आप देख सकते हो। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया, जो सूट होगा भैया लगाएंगे ना हम। तो मैंने ब्लशर हाईलाइटर लगा लिया था और लिपस्टिक भी मैं रेड कलर की लगा रही थी। अब लिपस्टिक लगाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ लिपस्टिक को, ज़्यादा डार्क मुझे नहीं पसंद। अब लिपस्टिक लगाने के बाद यहाँ पे हो चुका है मेरा मेकअप डन। अब पहन लेते पटपट ज्वेलरी, और जो मैंने पीला वाला लगाया वो एक्चुअली गले का नेकलेस है, तो मैंने बाल में लगा लिया ऐसा टियारा। तो आप देख सकते हो मेरा लुक कैसा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरा नेचुरल मेकअप लुक कैसा लगा राधा रानी वाला। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।